मेरा नाम ओमवती गंगवार है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ। आज क्या ज्ञापन दे रही हैं, किसे दे रही हैं? आज जो हमारा ज्ञापन है वो श्री मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है और श्रीमान जिला अधिकारी महोदय को दिया जाएगा, जिसमें ये जो इनका जो योगी टू सरकार यानी दूसरी पारी सरकार हमारी जो खेलने जा रही है, उनका आज कल 26 तारीख से पहला बजट पेश होने जा रहा है। उनको हम इस बजट में याद दिलाना मतलब चाह रहे हैं कि सरकार हमें भी याद करे, जो उन्होंने पूरे सरकार आने से पूर्व में जो वादे घोषणाएं की थी, उनका मानदेय में जो बढ़ोतरियां की थी उसका अभी तक कोई पैसा हम लोगों के खाते में नहीं आया है। कोरोना काल का भी कोई पैसा हमारे खाते में नहीं आया है। उसको हम कह रहे हैं कि सरकार जो है पर्याप्त बजट का प्रावधान रखे इस बजट में और हमारा पूरा मानदेय भुगतान करें। इसके अलावा और कौन सी मांग है? उसके अलावा हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग इस समय है कि प्री प्राइमरी से जो हमारी सरकार ने हम लोगों को जोड़ा है प्राथमिक विद्यालय में, उन लोगों को बिना किसी पैसे के, बिना कोई घोषणा किए और प्री प्राइमरी से जोड़ दिया गया, लेकिन आंगनबाड़ी के लिए कोई पैसे की बढ़ोतरी नहीं की है। उसको हम याद दिलाना चाहते हैं कि कम से कम उसका खोलें, प्राथमिक टीचर के बराबर आंगनबाड़ी को वेतन दिया जाए और जो स्कूलों में जो उन्होंने जून की छुट्टियाँ कर रखी हैं, जो 40 दिन का अवकाश होता है, लेकिन आंगनवाड़ी के लिए कोई अवकाश नहीं है। क्या आंगनवाड़ी के बच्चों को गर्मी नहीं लगती है या सर्दी नहीं लगती है? ना तो सर्दियों में कोई छुट्टियां की हैं उन्होंने और ना ही गर्मियों में की हैं। तो हमारा आज का ये मतलब सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि गर्मी की छुट्टी जो है हमारी घोषित की जाए। विनीता पटेल है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। और ये जो पोस्टल ट्रैकर ऐप जो सरकार ने चलाया था, पोस्टल ट्रैकर ऐप 2021 से सितम्बर से हमसे फीडिंग मांगी जा रही, तभी हमें प्रोत्साहन धनराशि मिलेगी, अन्यथा धनराशि हमें नहीं मिलेगी। उसका कारण ये है, ना तो हमें उस समय मोबाइल मिला था और ना ही पोस्टल ट्रैकर ऐप उस समय चल रहा था। उसका जो वर्जन था वो उस समय आया ही नहीं था और वो खुल भी नहीं रहा था। इसके अकॉर्डिंग वो कार्य हमारा अधूरा रहा, जिसमें हमारा जो प्रोत्साहन धनराशि का जो पैसा है वो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमसे प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है। जब वो चल ही नहीं रहा था तो हम कहाँ से दें उसके लिए? हमारी सरकार से यही मांग है, अब जो कार्य हो रहा है पोस्टल ट्रैकर ऐप पे, मोबाइल ठीक ठाक चलें। एक तो मोबाइल इतने घटिया हैं कि उन मोबाइलों में ठीक से कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। अगर वो कार्य ठीक से करेंगे तो सारी आंगनबाड़ियाँ ठीक से कर पाएंगी, पोस्टल ट्रैकर ऐप पे किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस तरह का कोई भी उसमें कोई ऐप लागू करें। धन्यवाद।